तो बात है आज से एक महीना पहले की। जब मैं अपने घर के पास वाले शॉप पे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिलता है। जैसे ही मुझे मेरा सब्सक्राइबर देखता है वो मेरे पास आता है और मुझे बोलता है, भैया आपसे मुझे एक काम है। फिर मैं बोलता हूँ, हाँ भाई बोलो क्या काम है। घबरा के बोलता है, भैया मेरा एक दोस्त है, मुझे वो बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। फिर मैंने बोला, है ब्लैकमेल कर रहे, वो कैसे? तो फिर उसने जो बोला ना, उसे सुन के मेरा जो दिमाग है ना ये पूरा हिल गया। भाई ये हो क्या रहा, आखिर कैसे कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं? मतलब कि इस समाज में सबको प्राइवेसी चाहिए होता है, लेकिन सबके प्राइवेसी में यहाँ पे सबको घुसना है कि देखना भाई उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके घर के अंदर क्या हो रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। हुआ था क्या, मेरे जो सब्सक्राइबर था ना वो इंस्टाग्राम पे जिससे भी चैटिंग करता था सब कुछ उसके दोस्त को पता चल जाता था, वो कॉल पे जिससे भी बातें करता था सब कुछ उसके दोस्त को पता चल जाता था, यहाँ तक कि वो अपने फोन पे ब्राउजर में जो जो एक्टिविटी करता था वो सब कुछ उसका हिस्ट्री उसके दोस्त को पता चल जाता था। मतलब एक तरह का मेरा जो सब्सक्राइबर का जो फोन है ना पूरा हैक करके रखा था उसके दोस्त ने। बेसिकली उसने हैक ये ऐसे किया था ना कि मेरे जो सब्सक्राइबर का जो ईमेल अकाउंट जीमेल आईडी था उसको वो अपने फोन पे लॉगिन करके रखा था। आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि आज के समय पे हमारा ईमेल आईडी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे ईमेल आईडी में हमारा फोन पे लॉगिन होता है, गूगल पे लॉगिन होता है, यूट्यूब अकाउंट लॉगिन होता है, पूरा कॉन्टैक्ट उसमें होता है। हम अपने एक ईमेल आईडी से बहुत सारा चीज लिंक करके रखते हैं। अगर यहीं पे हमारा ईमेल आईडी हैक हो जाए तो समझो पूरा फोन ही हैक हो गया। ये इंसिडेंट मेरे सब्सक्राइबर के साथ तो हो गया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये नहीं होने दूंगा। फिर बाद में मैंने अपने दोस्त का ईमेल आईडी रिकवर करवा दिया। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट कभी ना हो जाए, तो इसलिए पहले से अवेयर हो जाओ और ऐसे चेक करो कि कभी भी भविष्य में आपका ईमेल आईडी हैक होता है या फिर आपको पता नहीं है कि आपका हैक हो चुका है कि कैसे आपको चेक करना है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे जीमेल अकाउंट ओपन करना है, फिर यहाँ पे लोगों के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मैनेज ऑल डिवाइस, क्लिक करना है। फिर यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपका जो जीमेल अकाउंट है वो कितने सारे डिवाइस में लॉगिन है वो सब कुछ यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रियलमी 11 प्रो प्लस में लॉगिन है और यहाँ पे देखो एक विंडोज में है, यहाँ पे एक आईफोन में है, यानी कि मेरा एक ईमेल आईडी तीन डिवाइस में लॉगिन है, एक आईफोन में है, एक विंडो में है और एक रियलमी में है। तो मान लो मुझे ये मेरा विंडोज मेरा नहीं है, किसी ने हैक करके रखा है, तो मुझे इसे यहाँ हटाना है। तो सिंपली देखो क्या करना है, यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करना है। एरो के ऊपर क्लिक कर देने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा देखने को, यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन आउट का, साइन आउट के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन आउट के ऊपर जैसे क्लिक कर दोगे फिर से यहाँ पे एक साइन आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। तुम जैसे ही साइन आउट के ऊपर क्लिक करोगे जिस भी पर्सन ने तुम्हारा जीमेल अकाउंट को हैक करके रखा होगा उसके डिवाइस से जीमेल अकाउंट तुम्हारा हट जाएगा और तुम्हारे डिवाइस में लॉगिन रहेगा सिर्फ। लेकिन साइन आउट करने के बाद तुम अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड जरूर चेंज कर लेना, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जरूर बना लेना, नहीं तो फिर से तुम्हारा जीमेल अकाउंट हैक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो तुम लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए। बाय।